अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास टेन का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे वो ह्यूमन ईयर है। ह्यूमन ईयर का टॉपिक जो है हाफ जो है मेरी लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज इंशाल्लाह ताला इसको पूरे हम लोग कवर कर लेंगे। ह्यूमन ईयर या जो इंसानी कान है ये ना सिर्फ बेटा एक सुनने का आला है बल्कि ये आपकी बॉडी का बैलेंस भी करता है। ईयर ऑल्सो मेंटेन द बॉडी ऑफ योर बैलेंस। ओके, कैसे करता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को ईयर जो है वो उसका लास्ट पार्ट से हम बताऊँगी। बेसिकली बेटा जो इंसानी ईयर है या जो इंसानी कान है वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक आउटर ईयर है, एक मिडल और एक इनर। आउटर और मिडल के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज हम लोगों ने बेसिकली इनर ईयर को डिस्कस करना है। मगर उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। जो आउटर ईयर था उसमें सबसे पहले पिन्ना आ जाता है जो आपके ईयर का विजिबल पार्ट होता है, नज़र भी आता है, कार्टिलेज से मिलके बना होता है। उसके बाद ऑडिटरी केनाल आ जाती है जिसके अंदर वैक्स भी होती है जो कि इंसेक्ट्स वगैरह को आपके ईयर में एंटर नहीं होने देती। उसके बाद अगला जो पार्ट था उसको ईयर ड्रम कहा जाता है या टिम्पेनम कहा जाता है, कान का पर्दा। यहाँ ये हो गया हमारे पास आउटर ईयर। उसके बाद मिडल ईयर भी मैंने आपको बनाना सिखाया था कि लीफलेक्स स्ट्रक्चर बनाना है। मिडल ईयर बेसिकली जो है वो थ्री बोन्स से मिलकर बना है, मैलस, इंकस और स्टेप्स, ये तीनों के तीनों बोन्स हैं। और यहाँ पर एक सेंटर में एक झिल्ली होती है जिसको ओवल विंडो कहा जाता है। ये ओवल विंडो का ये काम होता है कि ये मिडल ईयर को इनर ईयर से सेपरेट करता है, ठीक है जी। प्लस बेटा यहाँ से एक ट्यूब अराइज करती है मिडल ईयर में से ही जिसे कहा जाता है यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब वो ट्यूब है जो कि आपके या ह्यूमन ईयर को कनेक्ट करती है किसके साथ, थ्रोट के साथ या नेजल कैविटी के साथ, ठीक है। ये हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इनर ईयर है बेसिकली। अगर हम लोग इनर ईयर, अब मैं इसी डायग्राम को कंटिन्यू भी करूँगी, पहले आपको इनर ईयर के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ उसके पार्ट्स, फिर उसके बाद उसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, फिर फर्दर उसके फंक्शंस भी देखते हैं। अच्छा, इनको थोड़ा सा मैं इरेज करी हूँ। यहाँ तक हम लोगों ने बना दिया था जी, ये आ गया था हमारे पास मिडल ईयर, ठीक है जी। ये मिडल ईयर हो गया था। जो इनर ईयर है, इनर ईयर जो है इसके बेसिकली थ्री पार्ट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जी कॉकलिया, एक है जी हमारे पास सेमी सर्कुलर केनाल, एंड थर्ड वन इज वेस्टिब्यूल। पहले हमने इन तीनों पार्ट्स को ड्रॉ करना है। पहला इनर ईयर के कौन से पार्ट्स है? कॉकलिया, सेमी सर्कुलर केनाल और वेस्टिब्यूल, ठीक है जी। कॉकलिया, सेमी सर्कुलर केनाल एंड वेस्टिब्यूल। सेमी मीन हाफ, सर्कुलर मीन सर्कल, सर्कल का जो हाफ होता है। ड्रॉ करने के लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती होती हूँ कि जब आपने इनर ईयर जो ड्रॉ करना है, ज़रा से डिफरेंट कलर्स इसलिए बता रहे हो ताकि सबसे पहले हम लोग सेमी सर्कुलर केनाल्स ड्रॉ करते हैं। बेटा सेमी मीन हाफ, सर्कुलर मीन सर्कल, जो सर्कल का हाफ होता है। जैसे फूल की तीन पत्तियाँ आप बनाते हो, ड्रॉ करने के लिए बता रही हूँ, इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लोगे यूँ तो ये आपके पास सेमी सर्कुलर केनाल्स बन जाएंगे। ये हम लोगों ने हाफ ईयर पहले मैंने इसलिए ड्रॉ किया ताकि टाइम की बचत हो जाए। ये हमारे पास क्या आ गई, दीज आर थ्री सेमी सर्कुलर केनाल्स, ठीक है जी, विच आर द पार्ट ऑफ इनर ईयर। दीज आर सेमी सर्कुलर केनाल्स, इनके फंक्शन भी डिस्कस करते हैं। सेमी मीन हाफ, सर्कुलर मीन सर्कल, सर्कल का मीन आधा, के ये आधा जो है ये सर्कल का, इस तरह ये सेमी सर्कुलर केनाल्स है। उसके बाद कॉकलिया ड्रॉ करती हूँ। कॉकलिया बेसिकली बेटा जैसे कि एक वो स्नेल होता है, उसका शेल होता है, उस तरीके से ड्रॉ करना है। असल में ये ट्यूब्स होती हैं, बताती हूँ अभी, से ड्रॉ करना पहले बता रही हूँ। जैसे कि एक शेल होता है, इस तरीके से कॉइलिंग हुई होती है, ये इतना ये बन गया कॉकलिया। और कॉकलिया को आप यहाँ पर अटैच कर दो इस तरीके से तो ये बन जाता है वेस्टिब्यूल। दिस इज़ नोन एज कॉकलिया। और ये जो बकाया का पोर्शन है ये हमारे पास क्या आ जाता है, वेस्टिब्यूल का, ठीक है जी। ये बन गया, ये हो गया जी इनर ईयर। इनर ईयर में सेमी सर्कुलर केनाल्स आ गई, इस तरीके से जैसे फूल की तीन कलियां बनाते हो या आधे बस बनाया वो बन गया। कॉकलिया जो होता है वो ऐसे करके जैसे स्नेल का शेल होता है, उस तरीके से ड्रॉ कीजिए और वेस्टिब्यूल ये वाला पार्ट आ जाता है। उसके बाद ये होता है कि कॉकलिया में से भी एक नर्व जो होती है वो अराइज कर रही होती है जो कि ब्रेन की तरफ जा रही होती है, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे नर्व फ्रॉम कॉकलिया, ठीक है जी, नर्व फ्रॉम कॉकलिया। और वेस्टिब्यूल के अंदर से भी एक नर्व जो होती है वो अराइज कर रही होती है और जिसको हम कहते हैं नर्व फ्रॉम वेस्टिब्यूल। और बेटा ये ऑडिटरी नर्व्स होती हैं। ऑडिटरी नर्व्स क्या होती हैं, वो नर्व जो के ईयर से मैसेज जो होता है वो लेकर जा रही होती हैं ब्रेन तक, ओके। ये आई वाला जब हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था तो आई में ये देखा था कि जो आई से मैसेज ब्रेन तक लेके जा रहा था वो ऑप्टिक नर्व थी, जो ईयर से जा रहे थे ऑडियो से, नाम याद रखिए ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व वो नर्व होती है जो कि ईयर से मैसेज को ब्रेन तक लेके जा रही होती है, ठीक है।
तो कॉकलिया से एक नर्व अराइज करती है जिसको नर्व फ्रॉम कॉकलिया, और एक वेस्टिब्यूल से करती है जिसको कहा जाता है नर्व फ्रॉम वेस्टिब्यूल। अब हम थोड़ा सा पाथ ऑफ द या प्रोसेस ऑफ हेयरिंग देख लेते हैं कि हेयरिंग का प्रोसेस होता किस तरह, ये आपकी बुक में मेंशन है, प्लस ईयर मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये आज हम सारे टॉपिक्स जो हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं बेसिकली पाथ ऑफ द हेयरिंग या किस तरीके से जो प्रोसेस ऑफ हेयरिंग देख रहे हैं या पाथ ऑफ साउंड वेव्स देख रहे हैं। सबसे पहले बेसिकली बेटा क्या होता है कि जो साउंड वेव्स होती हैं, वो आपके पिन्ना पे आके स्ट्राइक करती हैं। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पिन्ना का जितना साइज बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा साउंड वेव्स स्ट्राइक करेंगे और ज़्यादा सुनाई ऊंचा देगा, ठीक है जी। आप अपने भी पाम को ऐसे करके रख के देखो, बोलो तो आपको क्लियर आवाज़ ज़्यादा ऊंची सुनाई देती है क्योंकि साउंड वेव्स उतना ही ज़्यादा स्ट्राइक करी थी जितना ज़्यादा पिन्ना का साइज बड़ा होगा। साउंड वेव्स ने पिन्ना पे स्ट्राइक किया, ये जो साउंड वेव्स हैं ये ऑडिटरी केनाल तक गई। ऑडिटरी केनाल जो होता है यहाँ से साउंड वेव मूव कर जाती है ईयर ड्रम के पास या टिम्पैनम, ईयर ड्रम को टिम्पैनम भी कहा जाता है। अब कान का जो पर्दा है, इसको उर्दू में कान का पर्दा कहते हैं, ये वाइब्रेट करता है। अब यहाँ से वाइब्रेशंस शुरू हो जाती हैं, पहले साउंड वेव्स आ रही थी जो कि कान में एंटर हुई थी, उसके बाद क्या हो जाता है जब वो कान का पर्दा वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। ये इन वाइब्रेशंस की वजह से ये जो थ्री बोन्स होती हैं मेलस, इंकस और स्टेप्स, ये बोन्स भी आपस में मूव करती हैं और वाइब्रेट करती हैं और मैसेज जाता है बेसिकली बेटा इनर ईयर के पास। इनर ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला पार्ट है वो कॉकलिया है। कॉकलिया के अंदर स्पेशल तरह का लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है। ये जो इसकी कॉकलिया की शेप इस तरह की क्यों है बेसिकली बेटा, ये हमारे पास ट्यूब्स हैं या डक्ट्स हैं, डक्ट्स होती हैं या ट्यूब होती हैं जिन्होंने आपस में अपने आप को ऐसे क्वाइल किया हुआ है कि ये पूरा एक तरह का आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। असल में ट्यूब्स हैं जिन्होंने अपने आप को ईयर में एडजस्ट करने के लिए क्वाइलिंग की सूरत में ले आए हैं। तो छोटे छोटे से पाइप्स हैं या छोटे छोटे से ट्यूब हैं, बारीक ट्यूब्स हैं, तो इनके अंदर लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको साउंड रिसेप्टर सेल्स कहा जाता है, जिनका काम होता है कि वो जो वाइब्रेशंस जो कि मिडल ईयर से आ रही होती हैं उसको ये रिसीव करते हैं। कॉकलिया जो होता है इसमें खास तरह के जो है वो सेल्स प्रेजेंट है, इनको कहा जाता है साउंड रिसेप्टर सेल्स। ये जो साउंड रिसेप्टर सेल्स हैं यहाँ तक जब वो वाइब्रेशन आती हैं, साउंड रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं उस चीज़ को रिसीव करते हैं और फिर मैसेज जाता है बेटा जी ऑडिटरी नर्व के जरिए ब्रेन तक, और ब्रेन पर उसको इंटरप्रेट करता है कि आया ये साउंड जो है ये अच्छी है, बहुत ज़्यादा हाई पिच तो नहीं है इसकी, एक रीज़नेबल साउंड है। अगर बहुत ज़्यादा लाउड साउंड है तो आप अपने कान जो है वो बंद कर लेते हो क्योंकि वो आपके ईयर के लिए भी नुकसानदेह है प्लस आपके वो ब्रेन को भी डैमेज करेगा। तो इस तरीके से बेसिकली पास ऑफ द साउंड होता है। वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर केनाल का क्या फंक्शन है वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं, मगर भी जो मैंने आप लोगों को प्रोसेस ऑफ हेयरिंग बताया है कि जब ईयर ड्रम पे साउंड वेव स्ट्राइक करती हैं तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं। वाइब्रेशन जो होती हैं बेसिकली बेटा इन तीनों बोन्स को, मेलस, इंकस और स्टेप्स को मूव करती हैं, प्लस हमारे पास क्या होता है कि ये जाते हैं मैसेज यहाँ पर जो कॉकलिया के अंदर फ्लूइड है। वैसे तो इनर ईयर पूरे में फ्लूइड होता है, वेस्टिब्यूल में भी तो सेमी सर्कुलर केनाल में भी फ्लूइड मौजूद होता है। हमारे पास क्या होता है कि जो साउंड रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये साउंड रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं जब इन तक वाइब्रेशन पहुंचती है तो ये साउंड रिसेप्टर सेल्स, रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीव कर रहे हैं साउंड, मतलब साउंड को या वाइब्रेशंस को, ये फौरन नर्व इम्पल्स एक जनरेट करते हैं और ये नर्व इम्पल्स न्यूरॉन्स के जरिए या नर्व के जरिए किस तक जाती है, ब्रेन तक जाती है, ठीक है जी। और ब्रेन जो होता है फिर आपको बताता है कि किस किस्म की जो है वो साउंड आ रही है। ये तो हो गया हमारे पास कॉकलिया का फंक्शन कि कॉकलिया जो होता है इसमें ट्यूब्स हैं जिन्होंने अपने आपस में अपने आप को रैप किया हुआ है, प्लस उसमें फ्लूइड है जिसमें कि साउंड रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है। अब हम लोग फंक्शन देखने लगे हैं सेमी सर्कुलर केनाल्स का प्लस वेस्टिब्यूल का। ओके, मैं बाकी पोर्शन को इरेज कर रही हूँ, दोबारा थोड़ा सा सेमी सर्कुलर केनाल और वेस्टिब्यूल कॉकलिया ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपको दोबारा ड्रॉ करना सिखाऊं कि कॉकलिया इस तरीके से ट्यूब्स हैं जिन्होंने अपने आप को रैप किया है, ये वेस्टिब्यूल का पोर्शन आ जाता है और इसके ऊपर ये जो है ये थ्री सेमी सर्कुलर केनाल्स हैं, ठीक है। ये एक तरह का स्ट्रक्चर है जो हमारे पास सेमी सर्कुलर केनाल्स हैं बेसिकली, ये क्या करती हैं, ये आपके इसके अंदर भी इनकी तीनों ट्यूब्स के अंदर जो होता है, तीनों डक्ट्स के अंदर जो होता है वो लिक्विड होता है बेसिकली बेटा। आपकी बुक में मेंशन नहीं है, उसको एंडोलिम्फ कहा जाता है। ये जो लिक्विड होता है ये आपकी हेड की पोजीशन को जो होता है वो मेंटेन कर रहा होता है। सर इस तरह किया, अब ये जो आपके ईयर इनका जो अंदर का लिक्विड है वो भी इस तरीके से मूव करता है, जब आप सर इस तरह करते हो या इस तरह करते हो तो ये सारा जो है ये लिक्विड जो होता है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर केनाल जो होती है इसका क्या फंक्शन है, ये आपकी हेड की पोजीशन को जो होता है वो बेसिकली मेंटेन कर रहा होता है।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, मेंटेनेंस ऑफ योर हेड पोजीशन। एंड ये आ गया हमारे पास वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो होता है ये क्या कर रहा होता है, ये बेसिकली बॉडी पोस्चर को जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है। बॉडी सही पोजीशन में, अगर मैं इस वक्त खड़ी हूँ आपके सामने तो किस तरीके से खड़ी हूँ, ये सारा बॉडी पोस्चर जो होते हैं, रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ये सारा बॉडी पोजिशन होती हैं, इनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, वेस्टिब्यूल बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है। बच्चों ईयर जो होता है वो आपकी बॉडी का बैलेंस भी करता है। आप क्या होता है कि सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल के अंदर से जितना भी मैसेज होता है ये ऑडिटरी नर्व के जरिए ब्रेन के किस पार्ट में जाता है, सेरिब्लम में जाता है। सेरिब्लम या सेरिबेलम जो कि किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का। ब्रेन वाले टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेरिबेलम यहाँ पर बैक साइड पे होता है और बेटा सेरिबेलम का क्या फंक्शन होता है, मसल्स की मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। मैंने अपनी वीडियो में जब मैंने ये ब्रेन का टॉपिक पढ़ाया था तब ये भी बताया था कि अक्सर इधर हिट करो तो बॉडी जो होती थोड़ी देर के लिए फेंट हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है। तो सेरिब्लम किसके साथ मिलके, ये वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल के साथ मिलके हमारे बॉडी का बैलेंस कर रहा होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ बेटा कि आप लोग जब बचपन में हम लोग गोल गोल घूमते होते थे, चक्कर खाओ तो थोड़ी देर बाद आप ये होता है कि आप खुद ठीक खड़े हो जाते हो मगर आप खड़े नहीं हो पाते, आप गिरना शुरू हो जाते हो, आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। या वो जो गोल झूला होता है जिस पर बच्चे बैठ जाए तो आप थोड़ी देर के लिए झूला लो, उसे उतरो तो आप थोड़ी देर के लिए अपने आपको स्टेबल नहीं खड़ा कर सकते, आप मूव कर रहे होते हो। क्यों बेटा, क्यों बेसिकली बेटा, क्योंकि आपके जो ईयर के अंदर का फ्लूइड है वो हिल रहा होता है। ठीक है जी, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स का भी हो गया, वेस्टिब्यूल का भी, प्लस कॉकलिया का। वैसे सेमी सर्कुलर कैनाल्स का जो फ्लूइड होता है वो मूव कर रहा होता है। जब तक ये मूव करता रहता है आपकी बॉडी जो होती है वो डिजीनेस या शेकी रहती है, उसके बाद जो ही वो फ्लूइड सीधा होता है, स्टेबल होता है, तो आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हो। बहुत सारे केसेस में आम लाइफ में मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जिनको चक्कर आना शुरू हो गए थे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये, डॉक्टर्स को पहले तो ये समझ नहीं आती कि ये क्या मसला है ब्रेन का। ब्रेन के सिटी स्कैन भी हो गए जी, फिर भी जी चक्कर आना खत्म नहीं हो रहे, आंखें खोलता जाता है बंदा तो चक्कर आते रहते हैं बिल्कुल भी। बाद में पता चलता है बेटा कि वो उनको ईयर का मसला था ना कि ब्रेन का। अक्सर ये ऐसा होता है कि ये फ्लूइड खुदा ना खास्ता लीक भी कर जाता है या फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अपनी डेली लाइफ में कभी भी ऐसा केस देखो कि अगर खुदा ना खास्ता चक्कर आना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया तो ये ब्रेन का अगर नहीं कोई मसला हल हो रहा तो वो दिमाग का मसला नहीं है, वो ईयर का मसला है, फ्लूइड का मसला होता है। क्योंकि ये जो फ्लूइड होता है ये आपके बॉडी का बैलेंस भी कर रहा होता है। जब तक ये फ्लूइड स्टेबल रहेगा, अपनी पोजीशन में रहता है, तो तब तक आपकी बॉडी बिल्कुल स्टिल खड़ी रहेगी। इसीलिए मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि अगर आप गोल झूला भी लो उतरो थोड़ी देर के लिए आपको चक्कर आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका फ्लूइड उसके बाद मूव कर रहा था। जो ही फ्लूइड स्टेबल होता है तो आप भी फिर स्टेबल हो जाते हो। ठीक है, तो ईयर जो होता है वो बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन कर रहा होता है। उसके बाद बेटा लास्ट टॉपिक जो होता है वो डेफनेस का आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बहरापन जो होता है, सुनाई ना देना। अब ज़रूरी नहीं होता कि जो बहरापन है या वो सिर्फ कान का मसला होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा कान ठीक है मगर जो ऑडिटरी नर्व होती है जो कि यहाँ से मैसेज को लेकर जा रही है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से ब्रेन तक मैसेज नहीं जा रहा था, तब भी हमारे पास क्या हो सकता है, खुदा ना खासा डेफनेस हो सकती है, जिसको बहरापन कहते हैं। अक्सर ये होता है कि कॉकलिया का प्रॉब्लम हो सकता है या मिडल ईयर का प्रॉब्लम हो सकता है या ईयर ड्रम जो होता है, ईयर ड्रम जो कान का पर्दा है वो खुदा ना खासा फट जाए या रप्चर हो जाए। उसमें क्या वजह होती है कि आपने कान में कोई खारिश वगैरह की है, जो कोई पॉइंटेड चीज़ मार दी है तो वो वैसे तो इतनी आगे तक जाती नहीं है वो चीज़ मगर खुदा ना खासा चली गई है, या कोई इंसेक्ट वगैरह आपके कान में एंटर हो गया या किसी ने आपके मुँह पर जोर का मुक्का मारा है या थप्पड़ मारा है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब पेरेंट्स थप्पड़ बंदा खाता है तो थोड़े के लिए सन शुरू हो जाती है, वो यही होता है कि एकदम से आपके ईयर पर जो होता है वो इफेक्ट होता है। तो बेसिकली बेटा जब आपके चीक पे कोई बहुत जोर का हिट करे या फिर ये होता है कि अगर आपने कोई पॉइंटेड चीज़ अपने कान में मारी है, खुदा ना खासा पेंसिल ही मारी है बहुत ज़्यादा जी, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपने क्या किया, पेंसिल, अब पेंसिल का सिक्का टूट के वो गया ईयर ड्रम के अंदर, उसको पंचर कर दिया, तो भी खुदा ना खासा डेफनेस की जो होती है वो प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस जो हम लोग यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ईयर को गले से कनेक्ट करता है, तो अगर गले में आपके कोई इन्फेक्शन है तो कभी कभी कान में भी इन्फेक्शन हो जाती है, या कान में तकलीफ है तो आपको गला भी लगेगा, कान भी दुख रहा, गला भी दुख रहा, सब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो इसी वजह से होती है। तो डेफनेस जो होती है वो ये ज़्यादातर यही होता है कि कान के अंदर कोई मसला हो सकता है या फिर जो नर्व जो कि ब्रेन तक मैसेज को लेकर जा रही है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से सुनाई देने में जो होता है वो दिक्कत होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो पैदाइशी जो होते हैं वो कहते हैं गूंगे बहरे हैं, अगर बेसिकली बेटा उनका कोई ईयर का प्रॉब्लम है तो वो फिर बोल नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कभी कोई वर्ड सुना ही नहीं है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाते। तो जो ज़्यादातर मोस्टली जो पीपल डेफ होते हैं वो ही ज़्यादातर जो होते हैं वो बोल नहीं सकते क्योंकि उनको कभी उन्होंने कोई वर्ड सुना ही नहीं होता तो वो उस तरह अदा नहीं कर सकते, हालांकि उनकी ज़बान सही होती है वो बोल सकते हैं। तो अगर वो वर्ड सुनना शुरू हो जाए तो वो बोल सकते हैं।
बहुत सारे केसेस हैं। तो बस आज का हमारा यही टॉपिक था कि ईयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, इनर ईयर के थ्री पार्ट्स कॉकलिया पढ़ लिए, वेस्टिब्यूल प्लस सेमी सर्कुलर केनाल पढ़ लिया, ईयर कैसे मेंटेन करता है बॉडी का बैलेंस वो पढ़ लिया, डेफनेस के बारे में भी डिस्कस कर दिया, प्रोसेस ऑफ हेयरिंग पढ़ लिया, ईयर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग मजीद देखेंगे आगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।